हाय फ्रेंड्स, मैं मनोज कुमार स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर ज्ञान में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आप किसी भी मोबाइल का लाइव लोकेशन कैसे ट्रेस कर सकते हैं, तो उसी के बारे में हम जानेंगे। हो सकता है आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी जो बहुत बेकार बेकार से सॉफ्टवेयर बोलते हैं कि डाउनलोड करिए, उसमें मोबाइल नंबर डालिए और आपका लोकेशन बता देते दे देते हैं, लेकिन एक्चुअली में लोकेशन नहीं बताते हैं। अगर आपका मान लो कि फोन दिल्ली का है, तो अगर उसमें आप ऐप में जाके या फिर वेबसाइट पे जाके आप चेक करेंगे, तो उसमें क्या होता है कि जिस नाम पे रजिस्टर्ड है मोबाइल नंबर, उस बंदे का नाम आ जाएगा। उसके अलावा जिस कंपनी का आपका मोबाइल नंबर है सिम है, जैसे वोडाफोन का है तो वोडाफोन आ जाएगा। जिस सर्किल का मोबाइल नंबर है उस सर्किल का नाम आ जाएगा। जैसे मान लो दिल्ली का है तो दिल्ली आ जाएगा, बिहार का है तो बिहार लिखा जाएगा, केरला का है तो केरला लिखा जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन आप नहीं पता लगा सकते हो। तो बहुत सारी आपने वीडियो देखी होगी, तो मैं वो सब चीज़ें नहीं बताऊंगा। कोई आपको थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर या फिर कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए नहीं बोलूंगा। इसमें गूगल का ही एक प्रोडक्ट है जिसके थ्रू आप लाइव लोकेशन चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो को मैंने दो पार्ट में डिवाइड करा है। पहला है कि अगर आपका फोन चोरी हो जाए या फिर भूल जाए या फिर गुम हो जाए, तो उसका लाइव लोकेशन कैसे चेक कर सकते हैं, और जो दूसरे का फोन है, किसी और का मोबाइल नंबर मेरे पास है, उसका लाइव लोकेशन देखना है तो उसका कैसे हम चेक कर सकते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आपको अपने फोन के बारे में पहले बताऊंगा कि आपको अगर अपना फोन भूल जाता है, चोरी हो जाता है, तो कैसे उसको ट्रैक करते हैं। तो सबसे पहले जब आपके पास फोन हो, तो सब लोग अपने फोन में एक सेटिंग करके हमेशा रखना चाहिए। तो आप जाएंगे सेटिंग में, सेटिंग में जाने के बाद वहां पे देखेंगे तो सिक्योरिटी होगा, तो सिक्योरिटी में जाके आप सिक्योरिटी पे क्लिक करिए। वहां पे जाने के बाद आप देखेंगे फाइंड माई डिवाइस होगा, तो सारे फोनों में ये सेटिंग होती ही होती है, तो उसमें फाइंड माई डिवाइस को क्लिक करिए और उसको ऑन करके रखिए हमेशा। तो फाइंड माई डिवाइस आपका हमेशा ऑन होना चाहिए, उसको ऑन कर लीजिए। और दूसरा एक, आपके फोन में कोई ना कोई जीमेल रजिस्टर्ड होना चाहिए, तो आपका कोई ना कोई गूगल अकाउंट आपके फोन से मैप होना चाहिए, उसको लॉगिन करके हमेशा रखिए। उसके थ्रू आप ये दो सेटिंग कर लेंगे, तो उसके बाद से आपको मान लो फोन भूल गया, गुम हो गया, तो उसको चेक करना है तो आप किसी के मोबाइल से या फिर लैपटॉप पे जाके आप देख सकते हैं। तो आप गूगल में जाइए, जैसे मैं लैपटॉप पे दिखा रहा हूं यहाँ पे, तो आप गूगल में जाइए, यहाँ पे लिखिए एंड्रॉयड, एंड्रॉयड डिवाइस मैनेजर। तो जो पहला वाला लिंक आ रहा है google.com/android/find, तो इसमें आप इस पर क्लिक करिए। तो यहां पे जाएंगे तो जो जिस नंबर पे आपका मोबाइल, जो आपका ईमेल आईडी लॉगिन है, वही यहाँ पे लॉगिन करिए। तो जैसे मेरे पास एक डमी मोबाइल नंबर है, मैं उसको लॉगिन करता हूँ, ईमेल आईडी है यही। तो यहाँ पे ईमेल आईडी डालिए, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करिए। आप ये काम आप मोबाइल में भी कर सकते हैं, ब्राउजर में या क्रोम में कहीं भी ओपन करके, मैंने आपको बताया डेस्कटॉप पे, कंप्यूटर में बता रहा हूँ, तो आप ये काम सारा मोबाइल में कर सकते हैं। फिर उसके बाद से आपको पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड डाल दीजिए। उसका से नेक्स्ट पर क्लिक करिए, मैंने पासवर्ड डालने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करा। तो देखिए इस मोबाइल से, इस ईमेल आईडी से जो मोबाइल रजिस्टर था उसका नाम है मोटोरोला मोटो सी। अब ये उसका डिवाइस का एग्जैक्ट लोकेशन चेक कर रहा है, सो इट विल टेक अराउंड 10 to 15 सेकेंड्स, सो देखते हैं। तो इसके बाद से यहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन है, अगर चोरी होने के बाद आपका फोन ऑन है तो आपको ये लोकेशन दे देगा। तो यहाँ पे आपको देखो ये बता दिया जियो 4G जिसमें चल रहा है, 52% बैटरी है, और इधर आप देखोगे तो ये एग्जैक्ट लोकेशन बताता है। यहाँ पे जो ग्रीन वाला जो दिख रहा है, जहाँ पे अभी मेरा माउस है, यहाँ पे आपको ये बताएगा एग्जैक्ट लोकेशन। अगर मेरे पास ही है अभी, तो मेरे पास का लोकेशन बता रहा है। अगर ये कहीं और होता, जैसे दिल्ली है, फिर चोर कहीं और लेकर चला गया, या फिर मैं मान लो कि कहीं बम्बई गया था, मुंबई गया हूँ, वहाँ पर भूल गया, तो वहाँ का एग्जैक्ट लोकेशन बताएगा जहाँ पे आपका फोन है। चोरी होने के बाद अगर फोन आपका ऑन है तो आपका वहां का लोकेशन ये बता देगा। और इधर अगर लेफ्ट में देखेंगे तो यहाँ पे सारा डिटेल आ रहा है, प्ले साउंड आ रहा है, सिक्योर डिवाइस आ रहा है, और उसके बाद से इरेज डिवाइस आ रहा है। तो यहाँ पे आप इरेज करके वहां का कंटेंट, सारा डिवाइस का डेटा है वो भी डिलीट कर सकते हैं। जो गूगल में सारा डेटा है वो यहीं से आप डिलीट कर सकते हैं। तो ऐसे आप चेक कर सकते हैं अपने फोन का लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताएगा ये, कभी भी आपका सर्किल और ये सब नहीं बताता है, ये जहां पे होगा उसका एग्जैक्ट लोकेशन बताएगा। और दूसरा आपका फोन ऑन होना चाहिए, तो अगर मान लो कहीं फोन आपका गिर गया, अगर ऑन पड़ा है, तो आप इसे एग्जैक्ट लोकेशन चेक कर सकते हैं।
सो आई होप आपको पहला पार्ट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करना, तो ये आपको किसी दोस्त या फ्रेंड को शेयर करेंगे तो उसको भी हेल्प हो जाएगा। तो चलिए आते हैं दूसरे पार्ट में। अगर मुझे किसी और का लोकेशन चेक करना है तो मैं गूगल में जाऊंगा, तो एक्जैक्टली एज पर द रूल्स और एज पर द लॉ जो बने हुए हैं कंट्री में, इंडिया में या फिर अदर कंट्रीज में, तो एग्जैक्टली आप किसी का भी किसी दूसरे का एग्जैक्ट लोकेशन, लाइव लोकेशन ट्रेस नहीं कर सकते हैं। या तो किसी कोई अथॉरिटी करती है, या पुलिस कर सकती है, या फिर CIA NIA कर सकती है, तो जो कोई ना कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी होगी वही कर सकती है, और आपको किसी और को ये एक्सेस नहीं मिल सकता है। जैसे मान लो अगर मिलना भी नहीं चाहिए, अगर मुझे मान लो कि ये एक्सेस है तो मैं किसी का भी मोबाइल नंबर डालूंगा उसका एग्जैक्ट लोकेशन जान सकता हूँ, तो ये मतलब अलाउ ही नहीं है। तो ये तो गलत बात है, किसी दूसरे का आप एग्जैक्ट लोकेशन जान सकते हो, जानने के लिए पुलिस वगैरह GPS वगैरह का इस्तेमाल करके जान सकती है, आप नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर कोई अननोन नंबर है उसका अगर आपको देखना है कि कहाँ का फोन है, कहीं का भी है, ठीक है, तो उसका आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखिए मोबाइल ट्रैकर, तो यहाँ पे क्लिक करिए, तो यहाँ पे वही सिंपल है, ये एप्लीकेशन है, तो ये एक्चुअली आपको लोकेशन नहीं बताती है। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर आप एंटर करेंगे और यहाँ से आपको यहाँ पे सारी चीज़ आपको मिल जाती है। तो कोई भी आप मोबाइल ट्रैकर फ्री करके ऐसे लॉगिन वॉगिन करना पड़ेगा आपको, ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हैं। या फिर कोई और साइट पर मैं जाता हूँ, वहाँ पर दिखाता हूँ मोबाइल नंबर ट्रैकर गूगल मैप, तो दूसरा वाला जो हुआ है, तो यहाँ पर मोबाइल नंबर डालिए, तो मैं मोबाइल नंबर ट्रैकर में जाता हूँ। यहाँ पर मोबाइल नंबर कोई भी डालिए आप, जैसे मान लो मैं कोई भी डाल देता हूँ, तो आई थिंक 10 नंबर हो गए। मैं ट्रैक नंबर पर क्लिक किया, तो ये जहाँ का मोबाइल नंबर होगा वहाँ का ये आपका उसका डिटेल नाम वगैरह बता देगा। देखिए यहाँ पे आ गया मोबाइल नंबर, ये वोडाफोन का GSM है और दिल्ली का नंबर है, तो जो NCR का है वहाँ का ये लोकेशन बता देगा। एग्जैक्ट लोकेशन तो आपको कोई नहीं बता सकता है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।